व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी सुबह सुबह मैं गया हूँ मम्मी का जवान होने का हथियार लेने के लिए कलर, और पता नहीं मेरे पेट में कैसे गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है। मैं सोच रहा था जाऊँगा पैदल, एटीएम में भी काम है, अब जा रहा हूँ मैं बाइक से। अब समझ रहे हो ना, गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है मेरे पेट में। तो गाइस, मेरे पेट में जो गुड़गुड़ हो रहा था फिलहाल ठीक है, और मैं नहा के आ गया हूँ, और अब फिलहाल जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए, और मैं बीएड भी ट्रिम कर लिया हूँ। और आज हमारा प्लान है जाने का बाज़ार, जन्माष्टमी का बाज़ार करने के लिए। तो अभी तो फिलहाल बारिश हो रहा है, बस अभी स्टार्ट हुआ एकदम ज़ोर से, पता नहीं दिखते हैं कैसे जाएंगे हम लोग। तो गाइस, आज ब्रेकफास्ट में है रोटी, एग और ये दाल है, और ये पापड़ टाइप कुछ है, मनीषा आंटी देकर गई है। तो यहाँ पे तो DDLJ दे रहा है। तो इसके साथ मेरा एक कहानी है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत छोटे से कहानी है। 18 साल की ज़िंदगी में DDLJ में एक बार भी शुरू से नहीं देखा हूँ। मैं जब भी TV स्टार्ट किया, अगर DDLJ दे रहा है या तो लास्ट, या तो मिडिल, या तो शुरू होने के कुछ देर बाद, लेकिन आज तक शुरू से मैं आज तक नहीं देखा। 18 साल हो गए, एक बार भी नहीं देखा, क्या बताऊँ और मैं बताऊँ। तो गाइस, शाम के 4:30 बज रहे हैं और अब हम निकले हैं, क्योंकि अराउंड 3 बजे तक तो हम रेडी हो ही गए थे, पर 3 बजे हमें कोई बस कुछ भी नहीं मिलता, तो इसलिए हमें हार के 4 बजे निकलना पड़ा। और अभी फिलहाल 4:30 बज रहे हैं और अब हम निकल रहे हैं घर से। वैसे हम जा तो रहे हैं काली घाट, वहाँ पे बाज़ार लगता है, तो वहीं से हम लोग अपना सब शॉपिंग करेंगे। वो देखिए गाइस, पूरे रास्ते में पुलिस आ गया है, पुलिस का कार भी है। शायद से यहाँ से कोई अभी मिनिस्टर जाएगा, तो सारे गाड़ी उड़ी सबको, ऑटो को सबको साइड करवा रहे हैं, देखते हैं कौन मिनिस्टर जाएगा। हमारे पास तो उतना टाइम नहीं है देखने का, क्योंकि हमें तो बाज़ार करना है, तो बाज़ार बंद हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ से बाज़ार पूरा स्टार्ट होता है, यहाँ पर आपको सब मिल जाएगा, बेल्ट, मोबाइल, कपड़ा, जीन्स, टी शर्ट, लड़कियों का कपड़ा, सब कुछ यहाँ पे। तो सभी इंसानों का कपड़ा है, भगवान का कपड़ा कहाँ आएगा? और आगे सब चप्पल। तो गाइस, ये है अब पूरा मेन मार्केट, ये सब तो टूट रहा है, बन रहा है फिर से। तो यहाँ पे एक बहुत मस्त दुकान है, वहाँ पे ये मिलता है आपका मिठाई, खाएंगे ना? तो ये आ गए हम भगवान का कपड़ा देखने के लिए, इंसानों का बस्ती छोड़ के भगवान के कपड़े के बाज़ार में आ गए हम। इस दुकान में एक गोपाल है। अभी से जैसे भगवान के सारे फोटो और मूर्ति मिलेंगे आपको, ये सारे मूर्ति है भगवान के, और माला वाला सब कुछ है। तो गोपाल का कपड़ा तो हमने ख़रीद लिया है, और अब फिलहाल हम जा रहे हैं मंदिर में। तो इतना दूर आए तो माँ काली का दर्शन किए बिना तो कैसे जाएंगे? तो वही अब जा रहे हैं मंदिर में, तो और एक दो और कपड़ा लेना है, तो देखते हैं कहाँ से मिलता है। तो ये मंदिर का एंट्रेंस है, यहाँ पर आपको सब पंडित जी दिखाई मिलेंगे, सब आपको रोकेंगे एक एक करके, कि मेरे से पूजा करवा लीजिए, मेरे से करवा लीजिए, पर आपको कहीं नहीं जाना है। हमारे जान पहचान में है एक, तो स्टॉल नंबर 17 है, तो वहाँ पे जाना, और वहाँ पे आपको सब कुछ सस्ते में मिल जाएगा, कोई लूटपाट वहाँ पे नहीं है। तो स्टॉल नंबर 17 ना, नंबर याद रखना 17 ना। ये पूरा लाइन से सब दुकान है, वो स्टॉल नंबर 17। ये सब जगह पेड़ा बन रहा है, और यहाँ पे भी पूरा बन रहा है आग जला के नीचे। तो गाइस, जब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो वहाँ से निकल के आपसे मिलता हूँ। ये पूरा मंदिर है गाइस, मैं छुप के वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे पूरा फूल मिलता है। तो गाइस, दर्शन हमने कर लिया है और अब हम बाहर निकल गए हैं, अंदर में छुपके से मैं वीडियो बना लिया। जब मैं देखा सबको सेल्फी ले रहे हैं, तो मैं वीडियो क्यों नहीं बना सकता, मैं वीडियो बना लिया, और अब भूख लग रहा है बहुत।
तो गाइस यहाँ से मम्मी चूड़ियाँ ले रही है भगवान के लिए। तो गाइस हमें जो लेना था वो हमने ले लिया है और अब हम जा रहे हैं गंगा जी की तरफ। वहाँ पे 2-3 मंदिर है तो वहाँ पे भी पूजा कर लेते हैं जब इतना दूर आए हैं। तो गाइस मम्मी इसी मंदिर में आती है हर सैटरडे पूजा करने के लिए। यहाँ जगन्नाथ भगवान जी, यहाँ पे बजरंगबली सब भगवान जी यहीं पे है। और ये यहाँ पे गंगा माँ जो कि पूरा दूषित कर दिया गया है हम लोगों के द्वारा। मुझे दिखाने में भी शर्म आ रहा है, मैं इसे जूम नहीं कर रहा हूँ। और पीछे भी एक मंदिर है। गाइस शॉपिंग करके तो आ गए हैं और अब फिलहाल खा रहे हैं ये काला जामुन, जैसे कि मैंने आपको बताया था काफ़ी फेमस है यहाँ का। तो ये पूरा गर्म है। यहाँ आना, मैं आपको दुकान का नाम बता दूंगा, वहाँ से काला जामुन ज़रूर खाना, काफ़ी टेस्टी है। तो ये है गाइस वाला दुकान, दुकान का नाम है प्रियंका। तो यहाँ पे आकर ज़रूर से काला जामुन ट्राई करना। गाइस हम फाइनली घर आ गए हैं और पूरा तरीके से घर नहीं आए, अभी हम फिर जा रहे हैं मंदिर सब सामान देने के लिए। और क्या क्या कपड़ा खरीदे हैं, क्या क्या देने वाले हैं वो सब आप एक बार देख लो। ये वो कपड़ा, ये एक कपड़ा है और ये घाघरा है, ये धोती है, दिखाओ ना अच्छे से, ये धोती है, ये दो तकिए हैं और ये जिसपे खड़े होंगे वो कृष्ण जी, बस यही सब है। और जो बाकी था वो हम लोग जो ऊपर गोपाल है बैठे हुए उसके लिए लेकर आए हैं। तो गाइस फाइनली ऑफिशियली हम घर में आ गए हैं और मेरे सिर का बैंड बज गया है और पैर का पूरा बैंड बज गया है, बहुत दर्द हो रहा है, क्या बताओ ना यार। मन कर अभी सो जाऊँ पर एडिटिंग भी करना है, सुबह को व्लॉग लाना आप लोगों के लिए, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए करता हूँ। तो मैं इतना कंसिस्टेंट कभी भी नहीं था, मैं इतना कंसिस्टेंट कभी भी नहीं था, आप लोग विश्वास नहीं करोगे। तो आप लोगों को एक बहुत बड़ा थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू कि आप लोगों के वजह से मैं कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ। अराउंड 100 दिन से ऊपर मैं कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ और भी आगे करूँ। और आप लोग मेरा साथ दो ऐसे ही, कभी मेरा साथ छोड़ना मत यार प्लीज़। तो गाइस ब्लॉग एडिट हो गया है और इस ब्लॉग का ये एंड करता हूँ। मम्मी खाना खाने के लिए बुला रही है, गाली दे रही है मुझे, तो मैं एडिटिंग कर रहा था तो इसलिए मैं नहीं गया। और अब मैं फिलहाल जा रहा हूँ फटाफट, इस ब्लॉग का ये एंड करता हूँ। आशा करते हैं ब्लॉग आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में, बताइए। लेट्स ऑल, जय हिंद जय भारत।